हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित खुराना, इंटेलेक्टाइज्ड हिंदी पे। और आज वीवो ने लॉन्च कर दिया है वीवो का U10। यू सीरीज एक नई सीरीज लॉन्च की है उन्होंने, जो कि ऑनलाइन ओनली अमेजोन पे जाएगी। और इस फोन में कई इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। ये लॉन्च हुआ है 3 अलग अलग वेरियंट्स के साथ। इसकी जो कीमत है वो शुरू हो रही है 9,000 रुपये से, यानी 8,990 से। और ये 332 वेरियंट में मिलता है आपको। 364 और 464 वेरियंट्स भी मिल जाते हैं। तो टोटल 3 वेरिएंट लॉन्च हुए हैं 9,000, 10,000 और 11,000 की कीमत में। बट इस प्राइस सेगमेंट में ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है। अगर आप रेडमी सीरीज ही देखेंगे तो रेडमी नोट 7, नोट 7 एस, नोट 7 प्रो, कई तरह के फोन्स आपको इसमें मिल जाते हैं। रियलमी की तरफ से कई सारे फोन्स मिल जाते हैं। तो वीवो इस टाइट कॉम्पिटिशन में, टाइट स्पेस में आके कम्पीट कर रहा है। इस फोन की कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी और कुछ चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लगी, तो मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ, अपने फर्स्ट रिएक्शन बताता हूँ। अभी हम फोन के साथ फर्स्ट हैंड्स ऑन हमारा नहीं हुआ है, तो मैं अपने फर्स्ट हैंड्स ऑन के एक्सपीरियंसेस थोड़ा सा अपने लिए रिजर्व करूंगा। जब मैं इसको यूज करूंगा तो आपको बताऊंगा। मेरे फर्स्ट इंप्रेशन जो इसके इंफॉर्मेशन को देख के हैं, वो ये है कि 6.35 इंच डिस्प्ले के साथ आता है, जो कि एक नॉच डिस्प्ले है। लेकिन ये HD+ है, फुल HD+ नहीं है, जो कि एक डाउन साइड है। इसके अलावा ये एक बड़ी 5000mAh बैटरी के साथ आता है, जो कि एक अपसाइड है। इसमें प्रोसेसर भी अच्छा दिया गया है, स्नैपड्रैगन 665, जो गेमिंग के लिहाज से अच्छा है। और इसमें 5000mAh की बैटरी है, तो इसमें आपको लगभग 7 घंटे का पबजी गेमिंग टाइम, जो कि वीवो क्लेम कर रहा है, इसमें मिल सकता है। 18W का फास्ट चार्जर बॉक्स में दिया गया है, जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ है। 10,000 से 11,000 की कीमत में जो हमें फ़ोन्स मिलते हैं वो जनरली 10W चार्जर के साथ होते हैं, लेकिन ये 18W का चार्जर आपको बॉक्स में मिलेगा, जो कि अच्छी चीज़ है। लेकिन इसमें टाइप सी USB पोर्ट नहीं दिया गया है, जो एक छोटा सा डिसअपॉइंटमेंट है। आपको टाइप सी पोर्ट मिलने लगा है बजट फोन्स में भी, लेकिन यहाँ नहीं दिया गया है। माइक्रो USB पोर्ट के साथ आता है। इसमें ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, हाइब्रिड कार्ड स्लॉट नहीं है, जो कि अच्छी बात है। फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, फेस अनलॉक का फीचर है। फ्रंट फेसिंग कैमरा 8 MP है, जो कि ज़्यादा हो सकता था। रेडमी सीरीज में आपको बेटर कैमराज मिलते हैं फ्रंट पे, इसमें सिर्फ 8 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा है, जो कि एक छोटा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है गेमर्स के लिए फ़ोन बनाया गया है, ये फ़ोन उन लोगों के लिए नहीं है जो बहुत ज़्यादा सेल्फीज लेते हैं, क्योंकि उनके लिए ऑलरेडी जेड सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर आप सेल्फी लेने के शौकीन हैं तो इस फोन से थोड़ा सा दूर रहिएगा। इसमें 3 कैमराज दिए गए हैं पीछे की तरफ, ट्रिपल रियर कैमरा 13, जो कि नॉर्मल वाइड कैमरा है, एक अल्ट्रा वाइड 8 MP और एक 2 MP का डेप्थ सेंसर भी दिया गया है। प्राइस रेंज में मैं कहूँगा ये फ़ोन ठीक ठाक है, डिज़ाइन में भी ठीक ठाक दिखता है, जो मैंने इसके रेंडर्स देखे हैं। लेकिन वैल्यू फॉर मनी में इस फ़ोन को बहुत सारा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। 9,000 से 11,000 की कीमत में बेहतरीन फ़ोन नहीं है, सबसे बेहतरीन नहीं है, ये ठीक ठाक है मेरे हिसाब से। और जो इसके स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स वीवो ने निकाले हैं, वो शायद अपनी ब्रांड वैल्यू पे खेल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है वीवो के फ़ोन्स की ब्रांड इमेज काफ़ी अच्छी है मार्केट में, और एज़ कैमरा फ़ोन वो काफ़ी अच्छे चलते हैं। बट ये जो है मुझे गेमर सेंट्रिक फ़ोन लग रहा है रादर देन कैमरा सेंट्रिक, क्योंकि इसकी कैमरा प्रोविस जो है वो अगर कॉम्पिटिशन से कंपेयर की जाए तो मुझे ठीक ठाक सी लगी। आपके क्या विचार हैं वीवो U10 को लेके, हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए। ये वीडियो पसंद आया तो थम्स अप दबाइए, और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। ये फॉर्मेट ऑफ वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, हमारे वीडियोस कैसे पसंद आ रहे हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही, आपसे जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।